27 फरवरी को जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक षड्यंत्र रचा और उसके बाद आम लोगों से संबंधित हमारा बजट प्रस्तुत होना था और जिस प्रकार ये खरीदो फरोख्त हुई है, उस राजनीति को हिमाचल की जनता ने आईना दिखाया। हिमाचल की जनता ने कहा कि लोकतंत्र और जनता के वोट से चुनकर जो सरकार लोकतंत्र के इस परम में बनाई जाती है, उस सरकार को नोटों के दम से जो गिराने की कोशिश की, उसका मुंह तोड़ जवाब जनता ने दिया। हम 40 विधायक 2022 में चुनकर आए, आज खुशी है कि हम फिर से 40 हो गए हैं, लेकिन 4 महीने जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के विकास में और जिस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र का परिचय दिया, वो हमने जनता के सामने रखा। अब अगले 3.5 साल हमारा भारतीय जनता पार्टी से यह अनुरोध रहेगा कि 3.5 साल हमारी सरकार जो आम जनता से जुड़े हुए कार्य कर रही है, उसमें आप हमारा सकारात्मक सहयोग दीजिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। 4 महीने आचार संहिता के कारण काम रुके हुए थे और 4 महीने आपदा भी रही। आपदा में भी हमारे को युद्ध स्तर पर हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने, हमारी सरकार ने, हमारे पार्टी ने, हमारे जो विधायक थे, आपदा में भी हमने युद्ध स्तर पर काम किया, जिसकी प्रशंसा वर्ल्ड बैंक ने भी की, नीति आयोग ने भी की और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ने भी की। उसके बाद अब हम 4 महीने बाद फिर से जो बरसात आई है उसकी मीटिंग्स हो रही है, आने वाले समय में किस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन और करना है हमने किया है और किस प्रकार से आत्मनिर्भर हिमाचल का निर्माण करना है, उसमें हिमाचल की जनता का हम सहयोग चाहते हैं। और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी जो नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है, नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है, हम चाहेंगे कि जो योजनाएं हम यहां से लेकर जाते हैं, अभी मैं और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर्स और हमारे सुंदर ठाकुर जी गडकरी जी से मिले, हमने अपनी योजनाएं लाई है, हमने कहा कि भूभू जो टनल का निर्माण होना चाहिए ताकि टूरिज्म बढ़े और सड़कों का 4 लेनिंग का हमारा निर्माण होना चाहिए। हम चाहेंगे कि जो योजनाएं हमारी हमारे लोग देकर आए हैं उन पर अड़ंगा मत अड़ाए और जो बजट में हमारा अधिकार बनता है पीडीएन ने, यानी आपदा के बाद जो हमें राहत मिलनी चाहिए थी, जो स्पेशल रिलीफ पैकेज मिलना चाहिए था, उसमें कोई अभी तक सहयोग नहीं मिला है। मैंने इस बात को देश के प्रधानमंत्री से उठाया है, देश के गृह मंत्री से उठाया है और हमारी जो अपने राजस्व बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, हम उस दृष्टि से भी कार्य कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि थोड़े समय में हमें कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, वो युवा पीढ़ी के भविष्य को सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले समय में हमारे युवा पीढ़ी पर ऐसी व्यवस्था लाई जाए कि वो सही दिशा में आगे बढ़ सके। तो हमारी सरकार भविष्य में सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सर, कल केंद्र का बजट क्या उम्मीद है, क्या? देखिए, केंद्र के बजट से तो जो सभी राज्यों को मिलता, केंद्र का अपना तो आय होती नहीं, ये टैक्स तो आप ही लोगों का होता है। हम चाहेंगे कि हमें योजनाएं मिले और इस योजनाओं के तहत आम लोगों का हम विकास कर सके। हमारी सरकार आम लोगों की सरकार है, जनता की सरकार है, किसान की सरकार है, महिलाओं के सम्मान की सरकार है, युवाओं को रोजगार देने की सरकार है। मैं एक बात और बताना चाहूँगा, कोई भी परिस्थिति रही हो, कोई भी चुनौती रही हो, हमारी सरकार ने पिछले 18 महीने में 28,000 सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा किए। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में 20,000 रोजगार के क्षेत्र पैदा किए और महज मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें से भी आधे जो रोजगार के अवसर थे वो हाई कोर्ट के चक्कर काट रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहे थे। हमारी सरकार ने फैसला लेकर उसमें फैसला किया
और उनको हम अपॉइंटमेंट लेटर देने जा रहे हैं। सर वित्तीय मोर्चे पर किस तरह की चुनौतियां आपको लग रही है, किस रणनीति के साथ अब सरकार इसमें? देखिए वित्तीय हालत जो जयराम ठाकुर जी ने पिछले 5 साल में हमारे पास छोड़ के गए उसमें हमने 20% का सुधार किया, लेकिन हालत इतनी अच्छी नहीं है और इस हालत के लिए अगर कोई जिम्मेवार है हमें बोल रहे हैं कि कर्जा ले रहे, मैं तो ब्याज चुकाने के लिए कर्जा ले रहा हूं। इन्होंने जो कर्जा लिया वो विकास के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च किया लेकिन विकास नहीं हुआ, इनके जो जनमंच लगता था उस पर ही करोड़ों रुपया खर्च हो जाता था, लेकिन हम कर्जे की किश्त चुकाने के लिए कर्जा ले रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था में जो सुधार के संकेत मिले हैं ये भविष्य में आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखेंगे। धन्यवाद।